हे गाइस, मैं हूँ रिया और आज मैं आपको एक साइंस फिक्शन फिल्म डोर्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो अब अपने ईयरफोन्स लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी रिया के साथ। एक रात गवर्नमेंट हेल्प सेंटर्स में फोन करके कई लोगों ने उनके साथ हो रही कुछ अजीब घटनाओं के बारे में बताया। कुछ ने कहा कि उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो किसी ने कहा कि उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है। एक औरत ने कॉल पर बताया कि उसका पति अचानक बिना कुछ बोले किसी के वश में चलने लगा है। एक कॉलर ने बताया कि कोई चीज उन्हें उनके कमरे से बाहर जाने नहीं दे रही। इन अजीब कॉल्स के अगले दिन एक टीचर मिस्टर जॉनसन कुछ स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहे थे। उन्होंने सभी के फोन्स लेकर अलमारी में लॉक कर दिए और कहा कि बच्चों को एक घंटे में टेस्ट खत्म करके देना है। एक लड़के जेक को टेस्ट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने अपने एक क्लासमेट ऐश की तरफ एक नोट फेंका और वो नोट दूसरी क्लासमेट लिजी को देने को कहा। मिस्टर जॉनसन ने ऐश को वो नोट उठाते हुए देख लिया और पूछा कि उसमें क्या लिखा है। उस नोट में जैक ने लिजी से उसके घर मूवी देखने आने के बारे में पूछा था। जॉनसन ने जैक को चिल्लाकर चुपचाप टेस्ट देने को कहा। तभी लॉकर में से एक फोन वाइब्रेट हुआ। जॉनसन को भी एक मैसेज आया और स्कूल के बाहर सायरन बजने लगा। जॉनसन ने एक फोन किया और दूसरी तरफ वाले इंसान को शांत रहने के लिए कहा। वो फिर एक स्टूडेंट रॉरी को क्लास का इंचार्ज बनाकर फोन पर बात करने चला गया। एक फोन फिर से लॉकर में वाइब्रेट हुआ तो जेक ने कहा कि उसे देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी स्कूल में अनाउंसमेंट हुई कि स्कूल में अब लॉकडाउन लग गया है, मगर इसका कारण किसी को नहीं पता। जेक ने कहा कि शायद बाहर मास शूटिंग हो रही है, तो रोरी ने रेडियो ऑन किया। रेडियो में बताया कि एक खतरनाक चीज जमीन पर घूम रही है जिससे बचकर रहना होगा। आगे उन्होंने मिलिट्री की आवाज़ सुनी जो एक आदमी को अपनी जगह पर खड़ा रहने को कह रहे थे, पर उनकी बात न सुनकर वो आदमी चलता रहा और फिर फायरिंग की आवाज़ आने लगी। वो रेडियो बंद करके अपना फोन निकालने के लिए लॉकर तोड़ने लगे। वो सोच रहे थे कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में ऐश को अपना नाम बुलाते हुए एक आवाज़ आई। उसने खिड़की की तरफ देखा तो एक चिड़िया जोर से खिड़की पर टकरा कर मर गई और लाइट्स भी चली गई। सबने डिसाइड करा कि उन्हें स्कूल से बाहर निकलना होगा। हॉल में आते ही उन्होंने देखा कि उनके सामने एक काली दीवार ऐश को आवाज लगा रही है। जेक को एक मैसेज आया कि अगर उन्हें कोई भी अजीब ऑब्जेक्ट दिखे तो वो अथॉरिटीज को बताएं और आवाज आने लगे तो हॉस्पिटल चले जाएं। उसे दूसरा मैसेज आया कि अभी तक 4,200 लोग उस चीज के कारण गायब हो चुके हैं। वो काली दीवार फिर ऐश को आवाज लगाने लगी तो ऐश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसने गलती से एक बॉल को लात मारी जिससे वो बॉल दीवार तक जाकर गायब हो गई। सभी ये देखकर चौंक गए। ऐश को समझ आया कि ये चीज सबको अपने अंदर ले लेती है, तो उसने सबको उस दीवार में जाने का आइडिया दिया। जैक को ये आइडिया बहुत बेकार लगा, तो वो और रॉरी बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने निकल गए। ऐश धीरे धीरे उस चीज के पास जाने लगी तो लिजी ने उसे पीछे खींच लिया और कहा कि वो जानती है कि ऐश किसी बात से परेशान है। लिजी ने फिर उसे दिलासा दिया कि वो ऐश के साथ है और ऐश उसे अपनी कोई भी बात बता सकती है। ऐश, जिसे लिजी पर क्रश है, खुद को रोक नहीं पाई और लिजी को किस करने लगी। जैक इतने में पीछे से आया और जलन के कारण ऐश को धक्का देकर लिजी से दूर कर दिया। ऐश फिर दीवार की आवाज सुनकर उसके पास जाने लगी तो सबने उसे पीछे खींचा। इतने में जेक से टकराने पर रॉरी का चश्मा गिरकर टूट गया और उसे दिखना बंद हो गया। जेक ने भी गुस्से में ऐश को धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसे चोट आई। जेक उससे माफी मांगते हुए उसके पास आया तो ऐश ने उसे लात मार दी जिससे जेक और रॉरी दीवार से टकरा कर गायब हो गए। ऐश ने डरते हुए कहा कि उसने बस अपने बचाव के लिए जैक को लात मारी थी, पर लिजी ने उसकी बात ना सुनते हुए कहा कि ये सब ऐश की गलती है। ऐश गिल्टी फील करके दीवार के पास गई और गायब हो गई। लिजी ने बाकी स्टूडेंट्स को आवाज लगाई मगर कोई जवाब नहीं आया और दीवार ने और बड़ा होकर लिजी को भी अपने अंदर ले लिया। कुछ टाइम बाद न्यूज में बताया कि साइंटिस्ट ने इस चीज पर रिसर्च शुरू कर दी है और इसे डोर्स नाम दिया है, क्योंकि लाखों लोग इसमें जाकर गायब हो गए मगर कुछ लोग इससे वापस भी आए हैं। गवर्नमेंट ने इन डोर्स का राज जानने के लिए कुछ साइंटिस्ट की एक टीम बनाई जिन्हें डोर्स में जाकर जांच करनी है। इन टीम में एक जवान साइंटिस्ट बेकी भी है। अपना मिशन शुरू करने से पहले बेकी समुद्र के पास खड़ी होकर सोच रही थी कि उसकी जिंदगी एक बक्से में बंद है जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकती, या फिर एक पत्थर जो कि बस एक ही जगह पड़ा रहता है। वो समुद्र की लहरों की तारीफ करने लगी कि कैसे वो किसी की बंदिश में ना होकर अपनी मर्जी से बहती हैं। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड विंस आया और कहने लगा कि उसे खुश होना चाहिए कि उसकी जिंदगी पत्थर जैसी है, क्योंकि पत्थर ताकतवर होते हैं। विंस भी उस मिशन का एक हिस्सा है और दोनों अपने तीसरे साथी पैट्रिक के साथ जंगल में बने एक घर में आए और उस डोर में जाने के लिए निकल गए। हेडक्वार्टर से एक लड़की ने उन्हें बताया कि उनके पास डोर में से निकलने के लिए सिर्फ 12 मिनट है। तीनों घबरा गए क्योंकि पिछली टीम को उन्होंने 15 मिनट दिए थे
लड़की ने बताया कि पिछली टीम बाहर नहीं आ पाई थी, इसलिए उन्हें अब 12 मिनट दिए गए हैं। मिलिट्री घर के बाहर खड़ी थी ताकि कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज उन तीनों के अलावा उस डोर से ना गुजरे। तीनों साइंटिस्ट स्पेस सूट पहनकर घर में डोर के पास आए। तभी बेकी को एक आवाज आई जिसने कहा कि मेरी जिंदगी एक पत्थर है, मगर विंस और पैट्रिक को रेडियो में चलते हुए गाने के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। डोर में जाने के बाद बेकी ने देखा कि वो लोग उस घर में नहीं है जहाँ से वो आए थे। इस नए घर में तीन दरवाजे थे, तो बेकी ने तीनों को एक एक दरवाजे में जाने को कहा। विंस को ये आइडिया सही नहीं लगा, मगर तब तक बाकी दोनों जा चुके थे, तो वो भी अकेला तीसरे दरवाजे में आ गया। पैट्रिक ने अपना दरवाजा खोलते ही एक रोती हुई लड़की को देखा। उस लड़की ने पैट्रिक की तरफ देखकर पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। पैट्रिक को लगा कि ये बस उस डोर के कारण उसे दिखाई दे रही है, मगर वो लड़की उसे बिल्कुल असली लगी। उसने लड़की से उसका नाम पूछा, जिस पर वो कहने लगी कि वो अपना नाम नहीं जानती। फिर उसने बताया कि उसका नाम रोज है, तो पैट्रिक ने उस पर भरोसा नहीं किया। बेकी ने अपने दरवाजे में जाकर एक किचन देखा जहाँ बहुत सारे बच्चों के दूध की बॉटल्स रखी हुई थी। अचानक उसे वहाँ रखे एक झूले में से रोने की आवाज आने लगी, मगर वहाँ पहुंचकर बेकी ने देखा कि झूला खाली है। फिर एक आवाज उससे उसे प्यार करने को कहने लगी। विंस अपने दरवाजे से होकर एक कमरे में पहुंचा जहाँ उसने एक मूर्ति, कुछ ट्रॉफीज और एक तीन बजती हुई घड़ी देखी। वो एक अलमारी के पास आया जिसमें से उसे एक आवाज अंदर बुला रही थी। विंस उसके अंदर गया और वैसे ही दिखने वाले एक दूसरे कमरे में पहुंचा जहाँ वो मूर्ति और उदास हो गई और घड़ी में 6 बज गए। वो फिर एक और अलमारी से होते हुए तीसरे कमरे में पहुंचा जहाँ वो मूर्ति परेशान दिखने लगी और घड़ी में 9 बज गए। चौथा कमरा सबसे डरावना था। वहाँ लाइट्स बहुत कम थी और मूर्ति की आंखें बाहर आ गई थी। पैट्रिक ने रोज के कमरे में एक दवाई की बोतल देखी और इतने में रोज को मिर्गी आने लगी। एक आवाज ने पैट्रिक से रोज की मदद करने को कहा। पैट्रिक उसकी मदद करने आया और रोज ठीक होकर हंसने लगी और कहा कि वो पैट्रिक को मिस करती है। पैट्रिक उठकर जा रहा था तो उस आवाज ने उसे रोककर रोज से प्यार करने को कहा और पैट्रिक रुक गया। यहाँ बेकी के किचन में कोई अंदर आया तो बेकी ने देखा कि वो डोर है। डोर बेकी को हनी कहकर बुला रहा था, तो बेकी ने उसे ऐसा ना करने को बोला। अचानक उसे अपने पेट में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, तो डोर ने उससे पूछा कि क्या उसका बेबी ठीक है। बेकी ने अपनी गन निकालकर डोर पर रखी, पर उसके पास आते ही बेकी दूसरे किचन में पहुंच गई। उसने विंस को वहां देखा और उस पर एक टॉय गन रखी। विंस ने उसे शांत रहकर उस पर भरोसा करके टॉय गन नीचे रखने को कहा। बेकी को समझ आया कि वो अभी भी डोर में ही है, पर विंस ने कहा कि डोर 3 साल पहले ही चला गया है। तभी तीनों को हेडक्वार्टर से बाहर निकलने के लिए कहा गया क्योंकि उनके पास बस 5 मिनट बचे थे। विंस मेन डोर की तरफ निकला तो रास्ते में उसे बिस्तर पर तड़पते हुए लोग दिखे। वो डरकर और जल्दी भागने लगा। पैट्रिक ने रोज से उस दवाई के बारे में पूछा तो रोज पैट्रिक की तरफ देखते हुए डोर्स में बदल गई। पैट्रिक के सूट में गुलाब की पत्ती आने लगी और जल्दी उनसे उसका दम घुट गया और वो मर गया। बेकी को विंस ने अपनी गन रख देने को कहा क्योंकि वो सिर्फ एक टॉय गन है, मगर बेकी ने उसे मना करके शूट कर दिया। यहाँ असली विंस एक कमरे में पहुंचा जहाँ उसे अपनी और बेकी की एक फोटो दिखी। सामने एक आदमी बैठा था जो कि सेम विंस का कॉपी था। विंस ने उससे पूछा कि वो कौन है, तो कॉपी ने भी उससे यही सवाल किया। कुछ ही देर में विंस का एक और कॉपी स्वेटशर्ट में वहाँ आया। विंस ने उनसे कहा कि वही असली विंस है और उसके स्पेस सूट के कारण सब उसे पहचान लेंगे, मगर अचानक उसका स्पेस सूट गायब हो गया और वो भी बाकी दोनों के जैसे नॉर्मल कपड़ों में आ गया। कुछ ही टाइम में बेकी उस रूम में पहुंची जहाँ एक आवाज ने उसे उन तीनों में से असली विंस पहचानने को कहा। बेकी के कपड़े भी बदल गए। स्वेटशर्ट वाले विंस ने कहा कि पहला कॉपी इतनी गर्मी में भी रेनकोट पहना है तो वो असली नहीं हो सकता, तो बेकी ने उसे गोली मार दी। अब दूसरे कॉपी ने बेकी से कहा कि वो जानता है कि बेकी प्रेग्नेंट है और वो इस बेबी को नहीं रखना चाहती। इस पर विंस ने कहा कि उसे वो दिन याद है जब बेकी की नाक से खून आ रहा था और उससे उसकी शर्ट गंदी हो गई थी। दूसरा कॉपी बेकी से माफी मांगकर कहने लगा कि वो असली विंस नहीं है, जिस पर बेकी ने असली विंस को शूट करते हुए बोला कि वो और पत्थर बनकर नहीं जीना चाहती। उसने आगे कहा कि अब उसकी लहर बनने की बारी है। मूवी फिर नेक्स्ट सीन में जाती है जहाँ कई दिनों के बाद न्यूज में बताया गया कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, न चिड़ियाएं आसमान से गिर रही हैं और न मौसम बार बार बदल रहा है। हालांकि दुनिया की आधी पॉपुलेशन अब गायब हो चुकी है। फिर उन्होंने सबको अगले दिन की भी न्यूज देखने को कहा क्योंकि उनके पास एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है जो कि लोगों के सभी सवालों का जवाब देगा। कहीं ना कहीं जंगलों में जमाल नाम का एक आदमी है जो अपने घर से कुछ वायर्स लेकर एक खंडर घर के पास आया जहाँ डोर है। वो डोर से बात करते हुए अपनी मशीन्स का कवर हटाने लगा। उसने फिर उन मशीन्स में कुछ बदलाव करे जिससे उसे कुछ देर में डोर से जवाब मिल गया। जल्दी दोनों में बातें शुरू हो गई और डोर ने कहा कि वो जमाल के बारे में भी कुछ जानता है। जमाल ने उससे पूछा कि उसे उसके बारे में क्या पता है। डोर ने कहा कि वो उसका बस एक दोस्त है, वो धरती पर यहाँ के रहवासियों को देखने आया है। उनका मकसद धरती के अभी के लोगों को गायब करके एक नई शुरुआत करने का है।
अगले दिन जमाल की दोस्त कैथी अपने बॉयफ्रेंड लियो के साथ जमाल के घर आई। जमाल ने बताया कि उसके पास डोर के बारे में एक बहुत ही खास खबर है। लियो ने कहा कि वो लोग खुशनसीब हैं कि वो जिंदा हैं, जिस पर जमाल ने कहा कि डोर का असली मकसद लोगों की जान लेना नहीं है। लियो को लगा कि जमाल का दिमाग खराब हो चुका है, पर कैथी ने उसे बताया कि जमाल असल में एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, जिसे बस उसकी कंट्रोवर्शियल आइडियाज के कारण निकाल दिया गया था। जमाल ने कहा कि इस टाइम वो कैथी के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता और उसे लियो पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि कैथी को लियो पर भरोसा है। जमाल ने आखिर में बताया कि उसके पास एक डोर है। लियो शॉक हो गया और कहने लगा कि उसे गवर्नमेंट को ये बात बताकर उन्हें उसकी जांच करने के लिए दे देना चाहिए, मगर जमाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। डोर के पास जाते टाइम जमाल ने बताया कि वो डोर से बात कर रहा है। लियो को उस पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनके पास उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी है वो भी अभी तक ऐसा नहीं कर पाए, तो जमाल ऐसा कैसे कर सकता है। उनके वहाँ पहुँचने के बाद जमाल ने अपनी मशीन फिर से सेट करी और कुछ देर में सबको डोर की आवाज़ सुनाई दी। कैथी हैरान रह गई कि सच में डोर उनसे बात कर रहा है। वो और जमाल खुशी से एक दूसरे के गले लग गए, मगर लियो एक कॉल लगाकर वहाँ से चला गया। कैथी ने डोर से फिर उसका नाम पूछा, जिस पर डोर ने कुछ अजीब बोला जो कि उनकी समझ नहीं आया। फिर कैथी ने उससे उसका निकनेम पूछा तो डोर ने उसे खुद को लमाज बुलाने के लिए कहा। जमाल ने बताया कि डोर अभी बस इंसानों को स्टडी करके डाटा जमा कर रहा है, जिस पर कैथी ने कहा कि डोर शायद उनका दोस्त बन सके। कैथी को लगा कि शायद लमाज इंसानों के यूनिवर्स के बारे में जानने में उनकी मदद कर सकता है, पर जमाल ने अभी उसे थोड़ा कम सोचने को कहा। कैथी ने थोड़ा घबराते हुए डोर को बताया कि वो उसके बारे में गवर्नमेंट को कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लियो ने उसे ऐसा करने से मना किया क्योंकि डोर उसे भी मार सकता है, पर कैथी ने मना करते हुए बोला कि वो इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। जल्दी ही लियो का दोस्त रिकी, जो कि एक पुलिस वाला है, वहां आ गया और कैथी को डोर से दूर रहने को कहने लगा। लियो ने बताया कि रिकी उसका एक बहुत भरोसेमंद दोस्त है, मगर कैथी इससे बहुत चिढ़ गई। रिकी ने जमाल पर गन रख दी। लियो ने उसे शांत रहने को कहा, मगर रिकी ने जमाल को अपने हाथ ऊपर करके घुटनों पर आ जाने को कहा और फिर अपने साथियों से बैकअप भेजने को कहने लगा। जमाल ने लमाज से मदद मांगी। इतने में कैथी ने पीछे से आकर रिकी के सर पर एक लकड़ी से मार दिया, मगर रिकी बेहोश होने से बच गया और उठते टाइम उससे लियो पर गोली चल गई। उसने दोबारा अपनी गन जमाल पर रखी, मगर लमाज ने रिकी को मार दिया। फिर लमाज ने जमाल और कैथी से कहा कि अब धरती को रिफ्रेश करने का टाइम आ गया है और आसमान से सैटेलाइट्स आकर धरती पर गिरने लगी। मिडनाइट, जो कि अभी तक की सारी न्यूज दे रहा था, उसने अपना स्पेशल शो शुरू किया, जहां उसने दूसरी दुनिया की खोज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर एलन प्राइस से बात शुरू की। मिडनाइट ने बिना टाइम वेस्ट करे प्राइस से पूछा कि डोर आखिर क्या चाहता है। प्राइस ने बताया कि डोर्स इंसानों और इंसानियत के पीछे की सच्चाई है और हमारे होने की असली वजह भी। उसने आगे बताया कि डोर्स सब कुछ हैं और हर कोई है, मगर हम उन्हें भगवान नहीं मान सकते और हम उन्हें रोकने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रोसेस परफेक्ट है। हम बस दुनिया के रिफ्रेश होने का वेट कर सकते हैं। अचानक प्राइस की तरफ का सिग्नल खराब होने लगा और जब सिग्नल वापस आया तो प्राइस का कमरा काला हो चुका था। प्राइस ने कहा कि रिफ्रेश होने के बाद जब डोर्स अपने आप को इंसानों के अंदर रख लेंगे, लोग दुनिया की दूसरी असलियत देखना शुरू करेंगे। दोनों के कमरों की लाइट्स बंद चालू होने लगी, मगर मिडनाइट ने इंटरव्यू जारी रखा। उसने पूछा कि प्राइस डोर से वापस आए लोगों के बारे में क्या जानता है, जिस पर प्राइस ने कहा कि मिडनाइट को इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से पता है। प्राइस ने मिडनाइट से कहा कि उसे इस बदलाव से घबराए बिना अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। मिडनाइट प्राइस से सवाल करता गया, मगर प्राइस सेम टाइम पर मिडनाइट के सवालों को उससे पूछता गया। प्राइस ने फिर मिडनाइट से उसके इरादों के बारे में पूछा और लाइट्स और भी ज्यादा खराब होने लगी। प्राइस ने बताया कि प्रोसेस शुरू हो चुकी है और मिडनाइट को इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसे मिडनाइट ने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर जल्दी मिडनाइट ने अपनी कोशिश बंद कर दी और अपनी शर्ट निकालकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। जैसे ही मिडनाइट का साइट बंद हो गया, प्राइस ने उसे अपनी नई असलियत में स्वागत किया और मूवी एंड हो गई। मूवी को एंड तक देखने के लिए थैंक्स गाइस, और अब मिलेंगे नेक्स्ट मूवी में।